हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। हमने शुरुआत किया था टैक्स क्या है, फिर हमने शुरुआत किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, फिर इनडायरेक्ट का आगे पार्ट है जीएसटी, यानी कि जीएसटी एक टैक्स है और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी क्यों, जो पुराने टैक्सेस थे वो क्यों नहीं, उनमें क्या ऐसी कमी थी जिसकी वजह से उनको हटाकर जीएसटी को लाया गया, यानी कि अर्लियर क्या था और जीएसटी आने के बाद क्या होगा, ये हम करने की कोशिश कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था व्हाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी। तो हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी को लेके आने के तीन मेन रीजन है। रीजन नंबर वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। रीजन नंबर टू, कैस्केडिंग। रीजन नंबर थ्री, यूनिफॉर्मिटी। इनमें से भी हमने एक रीजन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। हमने देखा था 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया और उनकी जगह एक नया टैक्स लाया गया। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए गए और उनकी जगह एक नया टैक्स लाया गया, यानी कि जीएसटी। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कैस्केडिंग वजह क्यों है कि जीएसटी लाया जाए, कैस्केडिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जीएसटी लाया जाए और कैस्केडिंग को खत्म किया जाए। जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म किया गया, वैसे कैस्केडिंग क्या होता है और इसे क्यों खत्म किया जाए। राइट? सबसे पहली बात देखिए, एक दफा मैं ये बात मान भी लूं कि देश के अंदर मल्टीपल टैक्सेस हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो लोग एक्साइज ड्यूटी लेगी सरकार, मैं सेल करूंगा तो सरकार सेल टैक्स लेगी, मैं सर्विसेज दूंगा तो सरकार सर्विस टैक्स लेगी, मैं मान भी लूं, मैं एडजस्ट कर भी लूं, पर ये मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा कि सरकार टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेगी। मतलब अगर मैंने तीन चीजें की है, सरकार ने तीन टैक्स लिए, मैं मान भी लेता, लेकिन सरकार कहती है हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेंगे, ये मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा। और यही था कैस्केडिंग। कैस्केडिंग कैस्केडिंग का मतलब था टैक्स ऑन टैक्स। अगर मैं कैस्केडिंग की बात करूं तो सर, कैस्केडिंग का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। और ये तो नाम भी सुनने में गलत लगता है, ये तो एथिकली गलत लगता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जीएसटी को लेके आने का मेन रीजन था कि ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स है ना, इसे खत्म किया जाए, इसे खत्म किया जाए। मैं लिखता हूं, आप भी लोग लिखना प्लीज। द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव of GST is to remove cascading. The main objective of GST is to remove cascading. यानी कि is to remove cascading मतलब removing tax on tax, removing tax on tax. It also providing, it also providing seamless flow of credit, seamless flow of credit. सर, इसका मतलब क्या होता है? It also providing seamless flow of credit का मतलब क्या, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, बताऊंगा। लेकिन एक बार आप लिख लो कि जो जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो कैस्केडिंग को रिमूव करना था, और टू प्रोवाइड, इट आल्सो टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट देना था। इसका मतलब क्या मतलब होता है, हम बात करेंगे। आज की क्लास का मेन अट्रैक्शन यही रहेगा, आज की क्लास का मेन अट्रैक्शन यही रहेगा, मैं फिर लिख देता हूं, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू रिमूव कैस्केडिंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू रिमूव कैस्केडिंग एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, इट ऑल्सो टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि यह सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है, ये हम डिस्कस करेंगे। राइट? और रिमूव कैस्केडिंग क्या है। ओके,
आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सर पहले क्या था ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जब वो कोई गुड्स बनाता था तो एक वैल्यू उसने डिसाइड की कि 100 रुपए की बन गई, उसने 100 रुपए का सामान बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर किया है आपको इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। हालांकि मैन्युफैक्चरर कहता था कि मैंने बेचा नहीं है, वो कहते देखिए मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाला टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स बेचने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा, अब आप बेचो या इसे अपने फैक्ट्री में यूज करो ये आप जानो। ऑब्वियसली हर मैन्युफैक्चरर बना के बेचता ही है, वो अलग बात है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी नाम का जो टैक्स लगता था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, सेल पर नहीं था। तो एक 10% एक्साइज ड्यूटी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10 रुपए। ओके, अब मैन्युफैक्चरर सोचते हैं ठीक है जी मेरी गुड्स की कीमत हो गई 110 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो मैंने बनाने में लग गए मेरे और 10 रुपए जो है वो सरकार ने टैक्स ले लिया। अब ये इसे बेचना चाहता है, जब बेचने लगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है वैट। ऑब्वियसली अगर आप सेम स्टेट में बेचोगे तो वैट और दूसरी स्टेट में बेचोगे तो सीएसटी। चलो सेम स्टेट में मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको वैट देना पड़ेगा 10%। अब क्वेश्चन यह है कि यह 10% किसके ऊपर लगेगा, 100 रुपए के ऊपर लगेगा या 110 रुपए के ऊपर लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन कि 10% किसके ऊपर लगेगा। सर ये 10% लगता था 110 रुपए के ऊपर, 110 रुपए के ऊपर 10% लगता था मतलब 11 रुपए, टोटल आ गया 121 रुपीज, टोटल आ गया 121। ओके सर एक बात बताओ, ये जो 10% है 110 पे लगा, क्या इस 10 रुपए, ये 10 रुपए इसके अंदर शामिल नहीं है? सर बिल्कुल शामिल है, ये 10 रुपए अपने आप में क्या है? सर ये तो टैक्स है, और इसके ऊपर अगर फिर से वैट लगेगा यानी 11 रुपए लगेगा तो क्या इस 11 रुपए में इस 10 के ऊपर टैक्स नहीं लगा? बिल्कुल लगा सर, और इसका मतलब ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग। सर अगर हम बात करें तो तरीका ये था कि इस वैट को लगाना चाहिए था इस 100 रुपए के ऊपर, इस 100 रुपए के ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन सर लगाया नहीं गया। लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर, इन एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर लगाया जाता है सर 10 रुपीज 10%। तो इसका मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है जो ऑलरेडी एक टैक्स है उसके ऊपर फिर से टैक्स लग गया, एंड दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती थी और वैट स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना एक्साइज ड्यूटी है ना वैट है, राइट। जीएसटी आने के बाद ये दोनों हट चुके हैं, बताया था मैंने 17 टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गई और वैट भी खत्म हो गया। लेकिन समझाने के लिए, हां जी तो फिर से समझो इस पॉइंट को, एक बार फिर से देखो प्लीज, जितनी बार इस पॉइंट को समझोगे उतना क्लैरिटी आएगी। 100 रुपए की वैल्यू इसके ऊपर लगी एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए, ये है टैक्स, ये है टैक्स, और फिर इसकी वैल्यू बन गई 110, इसके ऊपर लगा वैट यानी 11 रुपए। जब ये 11 रुपए यानी कि ये 10% इसके ऊपर लगा तो इस 10 रुपए के ऊपर भी 1 रुपया टैक्स लग गया, यानी कि टैक्स के ऊपर भी 1 रुपया टैक्स लग गया, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स हो गया, टैक्स ऑन टैक्स हो गया, जो था कैस्केडिंग। उसका मतलब होता है कैस्केडिंग, इसका मतलब होता है कैस्केडिंग, और जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कैस्केडिंग को रिमूव करना, जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कैस्केडिंग को रिमूव करना, यानी कि ये नहीं होना चाहिए टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए। ओके अब देखो, एज वी नो दैट ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑब्लिक क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। सर इस लाइन का मतलब ना आपको आज की क्लास के आखिर में जाके पता लगेगा, मैं ये लाइन आपको दोबारा पढ़वाऊंगा लेकिन जब ये क्लास खत्म होगी तब, अभी आप इस लाइन की चिंता छोड़ दो। इसके बाद लिखा है सो देर इज कैस्केडिंग दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मीनिंग क्लियर करता हूं। सर एक छोटा सा पॉइंट है, एक होता है डबल टैक्सेशन और एक होता है कैस्केडिंग। बहुत सारे लोगों के माइंड में यह कंफ्यूजन रहता है कि शायद डबल टैक्स और कैस्केडिंग एक ही बात है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। डबल टैक्स एक अलग चीज है, कैस्केडिंग एक अलग चीज है। आइए मैं आपको उन दोनों का डिफरेंस समझाता हूं, डबल टैक्स क्या होता है और कैस्केडिंग क्या होता है। देखो पुराने लोग की बात करता हूं, पुराने लोग की बात, जीएसटी आने से पहले की बात। सर जीएसटी आने से पहले क्या था आपको बताता हूं, जो गुड्स थी
उनके ऊपर लगता था एक्साइज, वैट, सीएसटी, और जो सर्विसेज थी उनके ऊपर लगता था सर सर्विस टैक्स। तो सर ऐसे था, गुड्स के ऊपर अलग टैक्स थे और सर्विस के ऊपर अलग टैक्स थे, ठीक है, ऐसा मान लो। कभी कभी कई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाया करती थी जो गुड्स और सर्विस की मिक्स थी, जो गुड्स भी थी और सर्विस थी। अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूं तो रेस्टोरेंट का बिल, अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो जो ट्रांजैक्शन वहां हुई, जो पैसे आपने रेस्टोरेंट वालों को दिया, आप बताइए वो आपने गुड्स के दिए या सर्विसेज के दिए या दोनों के दिए? सर जवाब है दोनों के दिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको फूड भी मिलता है और रेस्टोरेंट में आपको सर्विसेज भी मिलती हैं, तो फूड का बिल भी होता है और सर्विसेज के नाम का बिल भी हुआ। लेकिन अब हम इसे गुड्स माने या सर्विस, सर ये दोनों लगती है। तो क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी सर्विस टैक्स के नाम का रेस्टोरेंट में लेती थी, बोले वो ये तो हमारा टैक्स है, ये तो हमारा टैक्स है, इसके ऊपर तो हम लेंगे टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये तो हमारा वैट है, गुड्स है, रेस्टोरेंट में जो खाना खिलाया जा रहा है तो गुड्स है। सर क्या हुआ, दोनों गवर्नमेंट ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, एक ही बिल पर वैट भी लगा और एक ही बिल पर सर्विस टैक्स भी लगा। सर इसे कहते हैं डबल टैक्स, सर इसे कहते हैं डबल टैक्स। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। प्रॉब्लम ऑफ टैक्सिंग सर्टन ट्रांजेक्शंस वेदर एज गुड्स और एज सर्विस, एक प्रॉब्लम थी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन गुड्स है या सर्विस है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन गुड्स है या सर्विस है, एक प्रॉब्लम थी। अर्लियर जीएसटी यानी कि प्री जीएसटी अगर मैं बात करूं तो जैसे रेस्टोरेंट का बिल आया 1000 रुपए का, इसके ऊपर लगता था वैट 10% यानी कि 100 रुपए। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगता था, सॉरी सर्विस टैक्स भी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था 6%, हालांकि सर्विस टैक्स का रेट 15% था, लेकिन सर्विस में उन्होंने रेस्टोरेंट के केस में उन्होंने एक अबेटमेंट, एक कंसेशन दे रखा था, तो वो सिर्फ 40% टैक्स लगाया करते थे, यानी कि 6%, 15 का 40%, 6%। पर ये 10% भी 1000 रुपए का था और ये 6% भी 1000 रुपए का था, देखो 60 रुपए, 60 रुपीज आ गया। तो दो टैक्स लगते थे, वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं था, दोनों वैल्यू के ऊपर लगते थे, वैट भी 1000 रुपए का और सर्विस टैक्स भी 1000 रुपए का, दोनों वैल्यू के ऊपर थे। ये डबल टैक्स था, ये कैस्केडिंग नहीं है, कैस्केडिंग होता है टैक्स ऑन टैक्स, ये कैस्केडिंग नहीं है, ये डबल टैक्स है। हालांकि ये डबल टैक्स इसलिए हुआ क्योंकि दो टैक्सेस है, मल्टीपल टैक्सेस है, हालांकि मल्टीपल टैक्स खत्म होने से डबल टैक्स की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक खत्म हो गई, क्योंकि जब मल्टीपल टैक्स रिमूव हो गए तो डबल टैक्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। आज अगर रेस्टोरेंट के बिल पर खाने पे बिल आएगा तो ऑब्वियसली वैट और सर्विस टैक्स तो है ही नहीं, आज तो एक ही टैक्स बचा है, उसका नाम जीएसटी है, तो एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, ऑब्वियस बात है, अभी तो एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, तो डबल टैक्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना, आगे जाके हमारे काम आएगी। जीएसटी के अंदर भी एक गड़बड़ है, जीएसटी के अंदर भी एक गड़बड़ है, बड़े ध्यान सुनना। हालांकि जीएसटी का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सुनने में लगता है कि ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज को एट पार डील करेगा, गुड्स में भी वैसे ही डील करेगा, सर्विसेज में भी वैसे ही डील करेगा, कितना सुनने में अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल सच है, ऐसे ही बोलते हैं लोग कि जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स और सर्विसेज एक ही में आ गया। पर क्या आप जानते हैं एक्चुअली में जीएसटी के अंदर गुड्स के रेट अलग है और सर्विस के रेट अलग है, गुड्स के लिए अलग रेट दिए गए हैं, सर्विस के लिए अलग रेट दिए गए हैं। सर दिखावा है, दिखता कुछ और है, सच में कुछ और है। सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टैक्स आ गया जो गुड्स एंड सर्विसेज को एट पार डील करेगा, एक बराबर डील करेगा, पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह टैक्स गुड्स और सर्विसेज को एट पार डील नहीं करता, यह टैक्स में गुड्स के सर्विस टैक्स के रेट अलग है, सॉरी गुड्स के रेट अलग है और सर्विसेज के रेट अलग है। तो प्रॉब्लम तो फिर से वही आ गई, जब जीएसटी आएगा, जब जीएसटी आएगा तो रेस्टोरेंट की सर्विस को हम क्या माने, सर्विस माने या गुड्स माने, क्योंकि रेट गुड्स के लगाए या सर्विस के लगाए। क्या आप जानते हैं जीएसटी ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दे दिया, जीएसटी ने एक स्केड्यूल टू बनाया है, स्केड्यूल टू, अब सब आगे आएंगी चीजें, आप सिर्फ नॉलेज के लिए सुनते जाओ, एक स्केड्यूल टू बनाया है और वहां पर जीएसटी ने बिल्कुल क्लासिफाई कर दिया कि जो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, किसी सर्टन ट्रांजेक्शन को गुड्स है या सर्विस है, हमने स्केड्यूल टू में ऐसी सारी ट्रांजेक्शन लिख दी है कौन सी गुड्स है और कौन सी सर्विस है।
अब रेस्टोरेंट के बिल को या तो गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा, एक माना जाएगा। ऐसे नहीं होगा गुड्स एंड सर्विस है, दोनों लगा दो वैट सर्विस टैक्स, पहले लगता था, अब ऐसा नहीं होगा। और मैं बता दूं आपको, रेस्टोरेंट को उन्होंने सर्विस माना है। जब मैं आपको स्केड्यूल टू पढ़ाऊंगा जीएसटी का, चार या पांच क्लास के बाद आएंगे हम स्केड्यूल टू पे, तब मैं आपको बताऊंगा रेस्टोरेंट की सर्विस को, रेस्टोरेंट को सर्विस माना गया है। तो आज सर डबल टैक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि मल्टीपल टैक्स ही नहीं है, एक ही टैक्स है। बेसिक 1000 बिल आया, आपका जीएसटी लगेगा सर, मान लो 5% 50 रुपए बिल आ गया 1050। क्वेश्चन आई है जो 5% का रेट है, एग्जांपल बोल रहा हूं, ये गुड्स का रेट है या सर्विस का, ये प्रॉब्लम थी जीएसटी आने के बाद। ये प्रॉब्लम थी कि ये गुड्स का रेट है या सर्विस का, क्योंकि रेट गुड्स के अलग है और सर्विस के रेट अलग है। तो लॉ ने क्लियर कर दिया, स्केड्यूल टू बना दिया और वहां पर उन ट्रांजेक्शन के नाम लिखे जो गुड्स और सर्विसेज की मिक्स थी, और वहां लिख दिया कि वो सर्विस मानी जाएंगी या गुड्स मानी जाएंगी। सर क्लियर कर दिया, डबल टैक्सेशन ड्यू टू सेम सब्जेक्ट मैटर बीइंग ट्रीटेड एज गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्केड्यूल टू ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये सीजीएसटी वगैरह क्या है सब बाद में। स्केड्यूल टू ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्लासीफाई एक्टिविटी एज गुड्स और सर्विसेज, बता देंगे कौन सी एक्टिविटी गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सर्विसेज है, ये क्लासीफाई कर दिया स्केड्यूल टू ने, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम रेट लगा देंगे। सर डबल टैक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। सिर्फ डबल टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले यह था कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को गुड्स माने या सर्विस, दोनों गवर्नमेंट टैक्स अट्रैक्ट कर देती थी। उन्होंने क्लियर कर दिया, स्केड्यूल टू बना दिया, या तो गुड्स मानेंगे या सर्विस, मल्टीपल टैक्स तो है ही नहीं इसलिए जीएसटी लगेगा, डबल टैक्स का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, डबल टैक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विस के रेट अलग अलग है, यह क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर दिया स्केड्यूल टू में कि यह गुड्स है या सर्विस है। अब हम बात करें अगर कैस्केडिंग की, सर कैस्केडिंग डबल टैक्स नहीं होता, कैस्केडिंग होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। अगर मैं प्री जीएसटी की बात करूं तो पहले वैल्यू थी 100 रुपए, फिर लगता था एक्साइज 10 रुपए 110, और फिर जो वैट लगता था वो इस 110 के ऊपर लगता था, तो इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी वाले 10 रुपए पर भी 1 रुपए लग गया और 100 रुपए पर 10 रुपए यानी 11 रुपए लग गए। तो ये था कैस्केडिंग। अब कैस्केडिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस नहीं है, तो टैक्स पहले लगे फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा कैसे। अब तो सिंपल है, एक सीधा जीएसटी लगेगा, मान लो 18% है, 18 रुपए आ गया तो ये 118 रुपए, तो ये पूरा जो रेट है, ये पूरा का पूरा रेट जो है वो 100 रुपए का लेंगे, तो कैस्केडिंग नहीं होगी। सो नाउ देर इज अ नो कैस्केडिंग इफेक्ट, सो नाउ आफ्टर जीएसटी देर इज अ नो कैस्केडिंग। हाँ जी, तो आप बताइए प्लीज, आपको कैस्केडिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। कैस्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग का मतलब होता है सर टैक्स ऑन टैक्स, और आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी इट रिमूविंग द कैस्केडिंग, इट रिमूविंग द टैक्स ऑन टैक्स। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट ऑफ डबल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। डबल टैक्स में अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी भाषा में, अपने जो मदर टंग है उसमें लिखना चाहो, प्लीज सिंपल सिंपल भाषा में लिख लो, अगर एक ही वैल्यू पे दो बार टैक्स लगे तो उसे डबल टैक्स कहते हैं, एक ही वैल्यू पर अगर दो बार टैक्स लगे तो उसे डबल टैक्स कहते हैं, और कैस्केडिंग में लिख लो अगर टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगे तो उसे कैस्केडिंग कहते हैं। दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। डबल टैक्स का मतलब है अगर एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स लगे तो इसे डबल टैक्स कहते हैं, और अगर टैक्स के ऊपर टैक्स लगे तो इसे कैस्केडिंग कहते हैं, बताइए प्लीज आप लोगों को यह वाली बात मेरी क्लियर हो गई या नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब सर मैं इस पॉइंट को ना यहां छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी मैं इसके अंदर और बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं इतनी जल्दी आसानी से मैं आपको ये पॉइंट खत्म नहीं करने वाला हूं, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने इस पॉइंट को खत्म कर दिया कि कैस्केडिंग क्या होता है, मैंने बता दिया टैक्स ऑन टैक्स होता है। लेकिन ओके, अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब बात समझना। अब जो मैं समझाऊंगा ना सर, वो नॉलेज के लिए है, वो नॉलेज के लिए है। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो आप स्किप कर देना। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं आधा घंटा पौना घंटा लगाने वाला हूं, इसमें सब नॉलेज के लिए है। एक चीज समझने वाली है, बाकी सब नॉलेज के लिए है।
रटना नहीं है। अब जो मैं समझाने वाला हूं ना वो रटना नहीं है, लेकिन समझना जरूर है, समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना जरूरी है, रटना नहीं है, लिखना नहीं है कि लिख भी लो मगर रटना मत कि ये मुझे याद करना है, कोई पेपर में लिख के नहीं दिखाना, क्योंकि जो मैं समझाने वाला हूं ये हमारे जीएसटी का बेस बनने वाला है, बेस बनने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके सुनिए सर, मान लो एक डीलर है, डीलर है और ये दिल्ली में रहते हैं, ये सर दिल्ली डीलर है, दिल्ली का डीलर है, डीलर से मेरा मतलब है सर ये एक ट्रेडर है, ये एक ट्रेडर है जो सामान खरीदता है और बेचता है, ठीक है सर। इसने कुछ गुड्स पंजाब से परचेज किए, कुछ गुड्स परचेज किए हां जी परचेज किए, और सर ये परचेज इसने किया 100 रुपए की, ठीक है। ये इसने कहां से परचेज किए सर, मान लेते हैं इसने परचेज किए पंजाब से परचेज किए, एक कोई भी स्टेट का नाम ले दिया आप, हैदराबाद तेलंगाना जो चाहो वो लिख लो, मैं तो अपने एक स्टेट का नाम बता रहा हूं, पंजाब से परचेज किए, वैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ले लिया नाम, पंजाब से दिल्ली में गुड्स परचेज हुई है। पंजाब वाले ने क्या किया है, पंजाब वाले ने ये गुड्स खरीदी है, बेची है, परचेज किया सेल पंजाब वाले ने सर, इसने सेल किए तो ये हो गया सेल ऑफ गुड्स और सर ये इसने सेल ऑफ गुड्स किया 100 रुपए की, ठीक है। तो सर पंजाब वाला इसके ऊपर टैक्स लेगा क्योंकि सेल टैक्स होता है, तो पंजाब वाला जब बेचेगा दिल्ली वाले को तो वो टैक्स लेगा सर, उस टैक्स का नाम था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सर ये लगता था 2%, एग्जाम्पल के लिए 2 रुपए मान लेते हैं सर, ये बन गया आपका 102 रुपए का बिल, ये दिल्ली वाले को बिल भेजा 102 रुपए का, 100 रुपए का सामान है, टैक्स के नाम के 2 रुपए है, टोटल 102 रुपए। सर अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सेल करता है, इंटरस्टेट सेल यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इंटरस्टेट सेल करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उस पर लगता है सीएसटी, तो उस पर लगता है सीएसटी। तो पंजाब वाला दिल्ली में बेच रहा है, पंजाब अलग स्टेट है, दिल्ली अलग स्टेट है, तो पंजाब से दिल्ली में सामान जा रहा है, दो डिफरेंट स्टेट है फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, तो इसलिए इसे इंटरस्टेट सेल कहते हैं और इसके ऊपर लगता है सीएसटी 2%। सर आप बताओ दिल्ली वाले का बिल बन गया 102 रुपए का, सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दिल्ली वाले की कॉस्ट कितनी है, सर दिल्ली वाले की कॉस्ट है 102 रुपए, कैसे 100 रुपए का सामान खरीदा प्लस इसने सीएसटी भी दिया होगा 2 रुपए, सर इसकी कॉस्ट बन गई 102 रुपए, 102 रुपए। सुनते ना प्लीज, सुनते ना आप, प्लीज मेरी बात को सुनते रहना, समझते रहना, ये मैं फिर बोलूंगा हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम में भी काम आएगी, पेपर में नहीं आएगी लेकिन एग्जाम में बाकी चीजों को समझने में काम आएगी। परचेज किया 100 रुपए का, सीएसटी लग गया 2 रुपए, 102 रुपए, ठीक है। इसने इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, इसने इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा, प्रॉफिट जोड़ा होगा, मान लो 98 रुपीज, 98 मैंने इसलिए लिया है कि वो फिगर राउंड ऑफ हो जाएगी 200 रुपए की, और कोई रीजन नहीं है, 200 रुपए का अमाउंट आ गया यहां पे सर, ये इसने 200 रुपए का मार्जिन, 98 रुपीज का मार्जिन जोड़ के इसको आगे सेल कर दिया 200 रुपए में, लेकिन इसने सेल कहां किया है सर, इसने सेल किया है विद इन दिल्ली सर, इसने सेल किया है विद इन दिल्ली, मतलब दिल्ली से दिल्ली, सेल विद इन दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली। अब सर जब ये दिल्ली में कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर को बिल कैसे बना के देगा, सोचो सर, सोचो आप प्लीज सासा देखना, ये कस्टमर को बोलेगा ले भाई 200 रुपए का सामान, बोलेगा जी ठीक है प्लस इसके ऊपर मैं तेरे से वैट लूंगा, वैट क्यों ले रहा है सर, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में जब सामान बिकेगा तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, सर जब दिल्ली से दिल्ली में सामान बिकेगा तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, और सर इंट्रा स्टेट सेल पर वैट लगता है और इंटरस्टेट सेल पर सीएसटी लगता था, इंटरस्टेट सेल पर वैट लगता है और इंटरस्टेट सेल पर सीएसटी लगता था। तो सर ये इंटरस्टेट सेल करेगा वैट लगेगा, सर वैट लगेगा मान लो 10%, ऐसी अज्यूम कर रहा हूं 10%, सर लग गया 20 रुपीज, ये कस्टमर से टोटल रुपए लेगा 220। अब समझते रहना सर, प्लीज समझते रहना कंसेप्ट को, समझते रहना मजा आएगा। सर पहले पंजाब से परचेज किया, पंजाब वाले ने 100 रुपए प्लस 102 रुपए, 102 रुपए लिए,
इसके पास 102 रुपए का सामान आ गया, उसने 98 का बेचा 200 रुपए, और फिर ये 200 इसने कस्टमर को बेच दिया, 20 रुपए उसने चार्ज कर लिए। सर दिल्ली गवर्नमेंट इसे बोलेगी कि आपने कस्टमर से 20 रुपए लिए हैं, इसने बोला जी बिल्कुल लिए हैं, बोले लाओ हमें दो 20 रुपए। क्योंकि आप जानते हैं वैट एक टैक्स है और टैक्स हमेशा सरकार का होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। अगर मैं सामान बेचूंगा और आपसे टैक्स लूंगा तो क्या वो टैक्स मैं अपनी जेब में रख लूंगा या मुझे सरकार को देना पड़ेगा? ऑब्वियसली वो टैक्स मुझे सरकार को ही देना पड़ेगा, वो टैक्स मैं अपनी जेब में थोड़ी रख सकता हूं। बात समझना प्लीज, बात बड़े ध्यान से सुनना मेरी। सर जो भी दिल्ली डीलर होगा, जो भी विद इन द स्टेट सेल करेगा या आउटसाइड स्टेट करेगा, जो भी टैक्स के नाम के हम कस्टमर से लेते हैं वो हमें गवर्नमेंट को ही देने होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला लाओ जी हमारे 20 रुपए लाओ। मैंने कहा सर आपके 20 रुपए तो दे दूंगा, पर मेरे 2 रुपए लगे थे सर टैक्स के नाम के जब मैंने खरीदा था। गवर्नमेंट ने पूछा कहां से खरीदा था? मैंने कहा सर पंजाब से। बोले मतलब? मैंने कहा सर मैंने पंजाब से सामान खरीदा था। तो बोले हम आपको सीएसटी माइनस नहीं करने देंगे, हम आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे, वो आपके गए तो गए, आप हमें हमारे पूरे 20 रुपए दो और अपने चलते बनो भाई। हमारा इसे बोलते हैं आउटपुट वैट, जो सेल पर टैक्स लगता है ना उसे आउटपुट वैट बोलते हैं। ओके आप हमारे 20 रुपए दो। सर इसका मतलब सरकार मुझे इस 2 रुपए का कोई क्रेडिट नहीं दे रही, 2 रुपए का मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रही सर, इसका मतलब ये 2 रुपए मेरी कॉस्ट का पार्ट बन गया। सर अब देखो इस पॉइंट में डबल टैक्स हो गया, इस पॉइंट में डबल टैक्स हो गया। सर कैसे इस पॉइंट में डबल टैक्स हो गया, इस पॉइंट को समझना सर। सर ये 2 रुपए इसमें जुड़ गए, 102 रुपए हो गए, ये 200 रुपए में भी 2 रुपए होंगे, ये 2 रुपए इस 200 में भी होंगे, ये 2 रुपए अपने आप में टैक्स है, इस 200 के ऊपर फिर टैक्स लग रहा है, तो इस 2 रुपए के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। सर कैस्केडिंग हो रहा है, सर कैस्केडिंग हो रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा इसलिए कैस्केडिंग हो रहा है। अभी सुन समझते हैं ना, अगली एग्जांपल में यह चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लेना कि क्या हो रहा है, अगली एग्जांपल में फिर यह बात दोबारा समझ में आएगी। सर यहां कैस्केडिंग हो रहा है, 2 रुपए हमने यहां जोड़े हैं, 102 रुपए, 200 आ गया, इस 200 के ऊपर दोबारा टैक्स लग रहा है, मतलब इस 2 रुपए के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, इसका मतलब कैस्केडिंग हो रहा है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट को पूछा, इस ट्रेडर ने, इस दिल्ली डीलर ने पूछा कि आप मुझे 2 रुपए का क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे? बोले क्योंकि वो 2 रुपए तूने पंजाब गवर्नमेंट को दिए, अगर दिल्ली को दिए होते तो हम तुम्हें क्रेडिट दे देते। ये भी अजीब बात है। ओके आगे देखो प्लीज, इसके बाद दिखाता हूं। अगली एग्जांपल देखो आप, अगली एग्जांपल आपको ना ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कर देगी। अगली एग्जांपल कॉन्सेप्ट क्लियर। सर एक बंदा है दिल्ली डीलर, एक बंदा है दिल्ली डीलर। सर ये बंदा पंजाब, सॉरी, एक बंदा है दिल्ली डीलर, सर ये ना दिल्ली से ही सामान खरीदता है। ओके ये दिल्ली से सामान खरीदता है सर, परचेज करता है दिल्ली से। सर अगर ये दिल्ली से परचेज करेगा तो ये बंदा मान लो मिस्टर एक्स है और ये मान लो मिस्टर ए है। प्लीज ध्यान सुनना सर, बड़ा मजा आने वाला है। दिल्ली वाला दिल्ली को सामान बेच रहा है। सर बताइए ये सेल विद इन द सेम स्टेट हो रही है या दूसरी स्टेट में हो रही है? सर ये तो विद इन द सेम स्टेट हो रही है। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। सर प्लीज ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉलेज वाली बात बता रहा हूं आपको। सर ये बंदा इस पे क्या चार्ज करेगा? सर इसने इसको सेल किया, सेल ऑफ गुड्स किया। सर ये चार्ज करेगा प्राइस मान लो 100 रुपए। सर अब ये चार्ज करेगा वैट, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में बिक रहा था, वैट लगता है 10 रुपए। सर इसने चार्ज किया 110 रुपए। सर समझ लो आप, सर एक्स दिल्ली का, ए दिल्ली के को बेचता है सामान 100 रुपए का, साथ में वैट चार्ज करता है 10 रुपए, टोटल हो गया 110 रुपए। सर जो ए बंदा है जिसने दिल्ली का सामान खरीदा है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सर ये इसने बिल बना के दिया होगा इसको कि सर 110 रुपए का बिल, आपका 110 रुपए का बिल है, सेल प्राइस आपका 100 रुपए है, 10 रुपए मैं वैट ले रहा हूं, गवर्नमेंट को देने होते हैं आगे, तो ये 110 हो गए। सर बताओ सर जो ए है, ए इसकी कॉस्ट कितनी है? प्लीज सर आप बता दीजिए ए की कॉस्ट कितनी है? सर जवाब है ए की कॉस्ट है 110 रुपए।
बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। 110 रुपए कॉस्ट है सर। जब ए 110 लिखने लगा, इधर देखना सर, जब ए 110 लिखने लगा, गवर्नमेंट ने कहा मिस्टर ए तुम अपनी कॉस्ट 100 रुपए लिखो, 110 मत लिखो। ध्यान देना, ए ने कहा जी मैं अपनी कॉस्ट 100 क्यों लिखूं, मैं तो अपनी कॉस्ट 110 ही लिखूंगा। बोले क्यों? बोला सर मैंने जिस आदमी से सामान खरीदा है उसका बिल मेरे पास है, उसने मुझे 100 रुपए का सामान बेचा, 10 रुपए मुझसे टैक्स लिया, तो 110 रुपए हो गए। तो सर मेरी कॉस्ट तो 110 हुई ना। गवर्नमेंट ने बोला वो जो 10 रुपए तुमने पे किए ना टैक्स के नाम के, वो जो एक्स को तुमने 10 रुपए दिए टैक्स के नाम के। बोला हाँ हाँ। बोले हम उसका तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। बोला सर क्रेडिट मतलब? बोले मतलब बोलो ना, तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। बोला सर मैं एक आम आदमी हूं, मेरे को क्या मालूम क्रेडिट क्या होता है, पहले यह समझाओ क्रेडिट दे देंगे मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट बोली आप बात समझो, आपने जो 110 रुपए पे किए हैं इस 10 रुपए को आप ये मत बोलो कि आपका खर्चा हो गया या अभी कॉस्ट है, ऐसे मत बोलो, आप ये बोलो अभी कॉस्ट 100 रुपए है, हम आपको इस 10 रुपए का क्रेडिट दे देंगे। वो फिर बोला सर आप फिर वही बात करो, टेक्निकल शब्दों में बात मत करो, हमें सिंपल भाषा में समझाओ, हम ट्रेडर लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं, हम पैसे कमाने वाले लोग हैं। पढ़े लिखे लोग कहां पैसे कमाते हैं, कम व्यापार वाले, हम व्यापारी लोग हैं सर, हमें तो बस ये बताओ ये क्रेडिट मिल जाएगा इसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाते हैं, क्रेडिट मिल जाएगा मतलब है कि ये 10 रुपए हम तुम्हें वापस कर देंगे। उसने बोला अच्छा गवर्नमेंट पैसे वापस भी करती है? मतलब ऐसा हमें तो लगा गवर्नमेंट पैसे लेती लेती है, वापस तो क्या करती होगी। बोले नहीं नहीं भाई, गवर्नमेंट को इतना बुरा भी मत कहो, हम आपको ये 10 रुपए वापस कर देंगे। अब तो तुम कह सकते हो ना तुम्हारी कॉस्ट 100 रुपए है। अरे भाई तुमने उस बंदे को 110 रुपए दिए हैं, हम कह रहे हैं हम तुम्हारे 10 वापस कर देंगे, अब तो बोल दो तुम्हारी कॉस्ट 100 है। बोले सर पक्का कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे। बोला चलो सर आप पे किया भरोसा, अगर आप कह रहे हो वापस कर देंगे तो हमने भी मान लिया परचेज 100 रुपए। अब इस बंदे ने अपना जोड़ा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन, मान लेते हैं इसने अपना इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 100 रुपए, ऐसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल के लिए, 200 मान लो, 200 मान लो सर। अब ये आगे बेच रहा है, सेल कर रहा है इसको 300 की, 300 कहां बचकर कहां बेच रहा है ये सर? ये बेच रहा है सेल विद इन दिल्ली, सेल विद इन दिल्ली मतलब अपनी स्टेट से खरीदकर अपनी स्टेट में ही बेच रहा है, सेल विद इन दिल्ली सर, दिल्ली से दिल्ली में बिक रहा है, दिल्ली से दिल्ली में ही बिक रहा है सर। इसे कहते हैं सर इंट्रा स्टेट सेल, सर इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल, और सर इसके ऊपर भी लगेगा वैट, क्योंकि सेल होगी तो वैट लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल। सर दिल्ली में जो कस्टमर है, ये जो कस्टमर आएगा कस्टमर, इसको बिल बना के देना पड़ेगा सर। इसे कैसे बिल बनाएंगे? सर आपको सामान बेचा जा रहा है 300 रुपए का, हम कस्टमर को सामान दे रहे हैं 300 का, प्लस इससे चार्ज करेंगे हम वैट, प्लस इससे चार्ज करेंगे हम वैट, और इसका नाम होता है आउटपुट वैट। मैंने आपको बताया था जो सेल पर लगता है उसे आउटपुट वैट कहते हैं। सर इससे चार्ज करेंगे वैट, मान लो 10% यानी कि 30 रुपए, सर टोटल हो गया 330 रुपए का बिल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आपने 100 रुपए का सामान खरीदा 110 का था, लेकिन थोड़ी देर सरकार के कहने पे मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा, 200 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि आपका अच्छा नाम है भाई, आप अच्छा प्रॉफिट जोड़ के बेच लेते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। 300 रुपए का आपने बेचा, और जब कस्टमर को आप 300 रुपए का दोगे तो आप क्योंकि सेल कर रहे हो आपको सेल टैक्स लेना पड़ेगा, यानी कि वैट लेना पड़ेगा 30 रुपए। सर एक बात बताओ, ये जो वैट होता है, वैट ये जो हम कस्टमर से टैक्स के नाम से लेते हैं, ये हमारी जेब में जाना चाहिए सरकार की? सर सरकार की, क्यों? क्योंकि टैक्स सरकार का होता है, टैक्स हमारा थोड़ी होता है, टैक्स तो सरकार का होता है। सर मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया ये 30 रुपए लेकर दिल्ली गवर्नमेंट को देने, क्योंकि ये सरकार के पैसे, ये सरकार के पैसे हैं, मुझे दिल्ली गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। सर मैं 30 रुपए लेकर, ध्यान सुनो सर, इमेजिन करना, मैं 30 रुपए लेकर दिल्ली सरकार के पास गया। मैंने कहा सरकार जी नमस्कार। बोले जी नमस्कार, हाँ जी बताइए। मैं वो मैंने ना एक सामान बेचा किसी कस्टमर को, उससे मैंने टैक्स लिया 30 रुपए, वो आपको देने आया हूं। सरकार ने बोला अच्छा पैसे देने आए हो, लाओ लाओ दो हमारे 30 रुपए, तुमने अपने पास रखे? मैंने कहा अपने पास क्या जी, मैं तो लेके आया हूं, आपको तो मैं ही लाके दूंगा ना। बोले हाँ वो ठीक है, मालूम है तुम ही लेके आओगे। मैंने कहा ये लो 30 रुपए। सरकार ने 30 रुपए लेने लगी तो मैंने वो हाथ पीछे खींच लिया। मैंने कहा रुको, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। सरकार ने बोला बोलो। मैंने कहा सर जब मैंने ये सामान खरीदा था तो आपने मुझे कहा था अपनी कॉस्ट 110 मत लिखो, 100 लिखो, आपने कहा था हम तुम्हें क्रेडिट देंगे। बोले अच्छा। मैंने कहा अच्छा क्या कहा था? क्रेडिट देंगे। बोले हाँ हाँ।
मैंने कहा आपने कहा था उसका मतलब होगा तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। बोले हाँ। मैंने कहा मैं आपको 30 रुपए देने आया हूं, मेरे 10 रुपए कम मिलेंगे मुझे। सरकार ने बोला ओहो तो तुम्हें याद है ये बात? मैंने कहा बिल्कुल याद है। अच्छा मैंने कहा भूल गए होगे। मैं अच्छा भूल जाओ पैसे पैसे कौन भूलता है? बोले हमारे कितने तुम्हारे पास? मैं कहा सर आपके पैसे मैं लेके आया हूं 30 रुपए। बोले अपने 10 काट लो बाकी 20 हमें दे दो। अब तो मिल गए तुम्हारे पैसे? मैंने कहा जी अब मिल गए, काट लो। हमने बोले काट लो सर। इस पैसे काटने को यानी कि अपने माइनस करके रख लो, इसे कहते हैं इनपुट वैट का क्रेडिट मिलना। सर इसे कहते हैं क्रेडिट मिलना, मतलब आप जो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे वो जितने कस्टमर से लोगे सारे दे दोगे, या जो आपने दिया हुआ है पहले वो अपना अपनी जेब में डालोगे और बाकी दोगे। सर अगर सरकार आपको ये कहती है कि जो पैसे आप हमारे लिए लेके आए हो कस्टमर से उसमें से अपने जो पहले आप दे चुके हो खरीदते टाइम वो माइनस कर लो और बाकी दे दो, तो इसका मतलब सरकार ने हमें हमारे पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब होता है हमें क्रेडिट मिल गया। इसका मतलब होता है हमें क्रेडिट मिल गया। सर अब बताओ एक छोटी सी बात, अब बताओ सर मैंने यहां 100 लिखा वो सही लिखा था या गलत? सर सही लिखा था। क्यों? सर जो 10 रुपए आपने पे किए थे वो तो सरकार ने आपको वापस कर दिए। वापस का मतलब जब आपसे पैसे सरकार ने लेने थे तो वो कटवा कर वापस लिए। यस सर। सर इसका फायदा देखो, अब इसका फायदा समझना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो उससे ज्यादा मजा आ जाएगा। ऐसे होता है, समझ में आए तो मजा, नहीं समझ में आए तो उससे बड़ा मजा। और क्या इसमें क्या ना सर, मैंने परचेज लिखा है 100 रुपए, मैंने 110 क्यों नहीं लिखा? सर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सरकार मेरे पैसे वापस कर देगी। मैं क्यों बोलूं मेरी कॉस्ट है? मैं क्यों बोलूं वो 10 रुपए मेरी कॉस्ट का पार्ट है? सर जो पैसे मेरे को वापस ही मिल जाने हैं उसे मैं अपना कॉस्ट क्यों बोलूं, उसे मैं अपना खर्चा क्यों बोलूं जो सरकार मुझे वापस कर देगी? सर देखो क्या हुआ, 100 रुपए, 200 मेरा मार्जिन, 300 रुपए सर जो टैक्स लगा 30 रुपए का, सर ये 300 रुपए लगा। यानी कि वो 10 रुपए जो ऑलरेडी टैक्स के नाम के थे इस बार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा क्योंकि इस बार मैंने उसे अपनी कॉस्ट का पार्ट माना ही नहीं। इस बार सर अगर मैं इस 10 को इसमें जोड़ लेता तो ये 110 होते, 200 जोड़ने के बाद 310 होते, 310 पे टैक्स लगता, मतलब उस 10 रुपए में भी टैक्स लग जाता। इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता, लेकिन अब कोई टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। क्यों? मैंने वो 10 रुपए अपनी कॉस्ट में जोड़े ही नहीं। और क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि सरकार ने मुझे बोला तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। जब मुझे क्रेडिट मिलेगा तो मैं अपनी कॉस्ट का पार्ट क्यों मानूं? और जब मैं कॉस्ट का पार्ट नहीं मानूंगा तो कैस्केडिंग होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? यही तो है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अगर सरकार हमें क्रेडिट देना शुरू कर दे तो टैक्सेस हमारे जो पहले पे किए हुए हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे नहीं, और अगर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे तो सर टैक्स लगेगा, कैस्केडिंग होगा ही नहीं। सर प्लीज टेल मी, पिछले क्वेश्चन में अभी जो मैंने एग्जांपल करवाया था जब मैंने पंजाब से सामान खरीदा था सीएसटी लगा था? यस। सर आप बताओ सीएसटी मैंने 100 रुपए में जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? जोड़ा था ना, क्योंकि सरकार ने मुझे पहले ही कह दिया था कि जब आप आगे सामान बेचोगे इस 2 रुपए के क्रेडिट को भूल जाना। मैंने कहा देखो जी अगर आप 2 रुपए का क्रेडिट नहीं दोगे फिर तो ये मेरे कॉस्ट है, फिर तो मैं कस्टमर से निकलवाऊंगा, मैं तो अपने खर्चे में जोड़ूंगा। बोले जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, हम नहीं देंगे इसका क्रेडिट। और सर अगर वो क्रेडिट नहीं देंगे तो मैं तो कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा, और अगर मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो कैस्केडिंग तो होके रहेगा, कैस्केडिंग तो होके रहेगा। सर आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर क्रक्स समझो, क्रक्स मैं आपको 2 लाइनें लिखवाता हूं, आप लिख लो अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी देसी भाषा में लिख लो, क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे ना सर देसी भाषा में लिखी हुई हर बात समय में आती है, अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखी हुई कम ही समय में आती है। समय में आया भाई? अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो, लिखो जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट अलाउ करती है, यानी कि जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट अलाउ करती है वो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। और जो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता वहां कैस्केडिंग नहीं होता, वहां कैस्केडिंग नहीं होता। सर ऐसे लिखोगे ऐसे याद करोगे याद रह जाएगा, ऐसे लिखोगे ऐसे याद करोगे याद रहेगा। सर जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट देती है वो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता और उस पर कैस्केडिंग नहीं होता। और सर जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती है, सुनो जिस टैक्स का गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती है वो तो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब सरकार हमें क्रेडिट नहीं देगी हम तो जोड़ेंगे हमारी कॉस्ट में, कस्टमर से तो लेंगे ही लेंगे। वो टैक्स हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और सर फिर वहां कैस्केडिंग भी होगा, फिर वहां कैस्केडिंग भी होगा। प्लीज टेल मी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर समझो अगर मैं दिल्ली का बंदा हूं और मैं दिल्ली से सामान खरीदता हूं तो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट क्रेडिट देती है,
और अगर मैं दिल्ली का बंदा हूं, पंजाब से खरीदता हूं, तेलंगाना से खरीदता हूं, हैदराबाद से खरीदता हूं, हिमाचल से खरीदता हूं, राजस्थान से खरीदता हूं, तो सरकार मुझे क्रेडिट नहीं देती। कहती वो तो तुमने उन गवर्नमेंट को पे कर दिया, हम क्रेडिट क्यों दे। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैं इंडिया में रह रहा हूं, स्टेट में रह रहा हूं, मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो दिल्ली कह रही है दिल्ली से खरीद, दिल्ली में बेच तो क्रेडिट दे देंगे, पंजाब से खरीदेगा तो नहीं देंगे, ये क्या बात हुई। अरे मैं दिल्ली में रह रहा हूं या इंडिया में रह रहा हूं। मैंने एक मूवी देखी थी चक दे इंडिया, वो कहता आप कहां से हो, बोले मैं पंजाब से हूं, कहता सुनाई नहीं दिया, हिमाचल से हूं, बोला सुनाई नहीं दिया, हरियाणा से हूं, सुनाई नहीं दिया, मैं इंडिया से हूं, अब सुनाई दिया। सर वो कंसेप्ट तो फेल हो गया, कहां का इंडिया, यहां तो एक स्टेट अपने आप में इंडिया बन गई। दिल्ली वाले कहते हैं आओ हमारे आगे डील लो, मैंने कहा दिल्ली से परचेज करना, बाहर से परचेज मत कर लेना। मैंने क्यों, बोले बाहर से परचेज करोगे सीएसटी दे के आओगे, क्रेडिट नहीं देंगे हम, तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कैस्केडिंग हो जाएगा, गुड्स महंगी हो जाएंगी तुम्हारी। दिल्ली से परचेज करोगे तो हम क्रेडिट देंगे, तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कैस्केडिंग नहीं बनेगा, गुड्स महंगी नहीं होंगी। बताओ सर, जीएसटी आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, जीएसटी आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। सर आप पंजाब से खरीदोगे क्या लगेगा, सीएसटी थोड़ी लगेगा, सीएसटी तो हमने हटा दिया, अब तो पंजाब से खरीदोगे तो भी जीएसटी लगेगा, और दिल्ली में बेचोगे तो भी कस्टमर से जीएसटी लोगे, और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट तो बनता है, जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट तो बनता है। सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी इज टू रिमूव कैस्केडिंग एंड टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सर आप दिल्ली से खरीदो पंजाब में बेचो, पंजाब से खरीदो दिल्ली में बेचो, हरियाणा में बेचो, सब क्रेडिट मिलेंगे सर, सारे क्रेडिट मिलेंगे। जीएसटी विल मेक इन इंडिया वन इंडिया, वन इंडिया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट एंड वन टीचर। मेरा मतलब है जीएसटी कहना एक इंडिया एक टैक्स बन जाएगा, वन नेशन वन टैक्स, ये तो आपने सुना होगा, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स बन जाएगा। सर क्यों, अब तक दिक्कत थी सर पंजाब से खरीदने में, अब दिक्कत नहीं है सर, अब दिक्कत नहीं है सर मुझे पंजाब से खरीदने में, मुझे हरियाणा से खरीदने में, मुझे तेलंगाना, मुझे हैदराबाद, मुझे साउथ से कहीं से भी खरीदने में मुझे दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मुझे क्रेडिट मिलेगा। पहले बताओ यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है वो और करवा दूंगा तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनो अब मजे की बात सुनना, मजे की बात, कुछ मैंने बोला ना आज मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेना। सर मैं एक दिल्ली का डीलर हूं, ठीक है, बोलो कहां का डीलर हूं, दिल्ली का। अरे मैं भाई, कई बच्चे कहते हैं आप दिल्ली की एग्जांपल लेते रहते हो बार बार, अरे मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की एग्जांपल लूंगा और कहां की लूं, बताओ आप मुझे अपने स्टेट का नाम सजेस्ट करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो कि सर हमारी स्टेट का नाम लिया करो, मैं आपकी स्टेट का नाम ले दूंगा, उसमें क्या बात है, अगली वीडियो में आपके नाम ले देंगे, तो आप मुझे सजेस्ट करना उसके अंदर अपनी स्टेट का नाम, तो आपकी स्टेट का नाम ले देंगे, और आप अपना नाम बताना, मैं आपको डीलर भी बना लूंगा, हमारे एग्जांपल में तो डीलर आएंगे बहुत सारे, तो जो जो लोग मुझे बताते रहेंगे हम डीलर बनाते रहेंगे उनको साथ में। ओके सर मैं दिल्ली में रहता हूं, आप सुनो सर, सुनना सर, मैं ना फर्नीचर मार्ट है मेरा, फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर समझते हो, फर्नीचर मार्ट जो लोग फर्नीचर बेचते हैं, ये होगा अमित कुमार फर्नीचर हाउस, कुछ ऐसे लिखा हुआ नाम है ना, एके फर्नीचर, एके फर्नीचर हाउस, ऐसा कुछ ऐसे लोग लिखते हैं। ओके मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा एक फर्नीचर मार्ट है, फर्नीचर का काम करता हूं सर, मैं फर्नीचर बेचता हूं खरीदता हूं, ट्रेडर हूं सर, मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर, सुनना सर, सर मैंने दिल्ली से ही, दिल्ली से, बाहर से नहीं, दिल्ली से, चलो सर मैंने सरकार की बात मान ली, ठीक है भाई जीएसटी तो भी आया नहीं तो मुझे पुरानी सरकार की बात माननी पड़ेगी, मैंने बोला ठीक है सर मैं दिल्ली से ही खरीद लिया करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल्ली से ही खरीद लूंगा, मुझे पता है अगर मैं पंजाब से खरीदूंगा तो आप मुझे क्रेडिट नहीं दोगे, बोले हाँ दिल्ली से खरीद लेना, मैंने कहा ठीक दिल्ली से खरीद लूंगा। सर मैंने दिल्ली से फर्नीचर खरीदा है, पता है मैंने किससे खरीदा है, कोई दिल्ली में मैन्युफैक्चरर है उससे खरीदा जो फर्नीचर बनाता है, मैंने आगे बेचना है। सर क्या आप जानते हैं उस बंदे ने मुझसे कौन कौन से टैक्स चार्ज किए होंगे, मैं आपको बताऊं, सर उसने मुझसे एक्साइज ड्यूटी ली होगी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्साइज ड्यूटी पे करता है तो वो तो सामने वाले से ले लेगा, यानी कि मेरे से ले लेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है, आप जो भी टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को वो नेक्स्ट पर्सन से रिकवर कर लेते हो। सर उसने वैट भी चार्ज किया होगा, बोलो बोलो, चलो मैं लिख के दिखाऊं, सर उसने वैल्यू 100 रुपए लगाई, 100 रुपए पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए, 110 रुपए, फिर वैट लगाया इसके ऊपर 11 रुपए, 121 रुपए का बिल बना दिया सर उसने, मुझे ध्यान सुना सर,
121 रुपए का बिल बना दिया, बोला ये लो जी फर्नीचर 100 रुपए का फर्नीचर है, 10 रुपए मैंने एक्साइज ड्यूटी के लिए है और 11 रुपए मैंने वैट के लिए है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, 121 रुपए का बिल दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं परचेज करके लाया, मेरे लिए परचेज है, उनके लिए सेल हो फर्नीचर का, दिल्ली वालों के लिए मैन्युफैक्चरर के लिए सेल था। सर ध्यान सुनना, सर क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? सर मैंने इस बार दो टैक्स पे किए हैं, एक एक्साइज ड्यूटी और एक वैट। सर देखो मैंने दो टैक्स पे किया, कौन कौन से? एक एक्साइज ड्यूटी और एक वैट। सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, सर मैंने दो टैक्स पे किए हैं, एक एक्साइज ड्यूटी एक वैट। सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, प्लीज ध्यान सुनो, सर मुझे इस बार दिल्ली गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स का क्रेडिट देगी? क्योंकि देखो मैं फर्नीचर को बेचूंगा, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैं इस फर्नीचर को आगे सेल करूंगा, सेल किसको करूंगा? कस्टमर को। मान लो कस्टमर दिल्ली का है, मान लो कस्टमर दिल्ली का है, तो बताओ सर जब मैं कस्टमर से वैट लूंगा, कस्टमर से वैट लूंगा तो कौन कौन से टैक्स का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा? क्योंकि इसका कारण यह है, अगर आप बोलेंगे सर एक्साइज का भी क्रेडिट मिल जाएगा, वैट का भी मिल जाएगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सर मैं अपनी कॉस्ट फिर 100 रुपए लूंगा, अगर आप बोलेंगे एक्साइज का नहीं मिलेगा तो मैं 110 लूंगा, अगर आप बोले वैट का नहीं मिलेगा तो मैं 121 लूंगा। क्योंकि जो जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और जिसका क्रेडिट मिलेगा वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ना? अब जवाब मैं दूं, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है जब आप इसे बेचेंगे और कस्टमर से वैट चार्ज करेंगे और वो वैट जब हमारे पास लेके आएंगे तो उस वैट में से हम आपको इस वैट का क्रेडिट दे देंगे। जो आपने कस्टमर से आउटपुट वैट चार्ज किया होगा ना, इसमें से इस वैट का क्रेडिट दे देंगे, लेकिन इस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं देंगे। लो जी कर लो बात, मतलब कर लो बात, कहां का क्रेडिट मिलना, सीमलेस फ्लो कहां पे होना चाहिए, इसलिए जीएसटी आया। इसका मतलब जो ट्रेडर लोग हैं, ट्रेडर लोग उन्हें एक्साइज पे किए हुए का बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ वैट पे किए हुए का बेनिफिट मिलता है। सर मैंने दिल्ली सरकार से पूछा, सर आप मुझे इस एक्साइज का क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे? बोले ये तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, वैट तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देखो ये जो मैं वैट पे करूंगा, बताना जरा मैं दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा या स्टेट को? स्टेट को, क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। मैंने वो पहली क्लास में बताया था, वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ये वैट लेके गया, स्टेट गवर्नमेंट कहती है एक्साइज का क्रेडिट क्यों दे, वो तो तू सेंट्रल गवर्नमेंट को देके आया, वो तो तू सेंट्रल गवर्नमेंट को देके आया, उसका क्रेडिट हम क्यों दे? हम तो उसका देंगे जो तूने हमारे को दिया है। बताओ सर, अब वो मुझे एक्साइज का क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, फिर मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसका मतलब मैं कॉस्ट कितनी लिखूंगा? सर मैं 110 रुपए लिखूंगा कॉस्ट, 110 लिखूंगा, और ये वैट जो लगेगा ना सर ये 110 पे लिखेगा। यानी कि रिटेलर लेवल पर भी कैस्केडिंग हो रहा था, रिटेलर लेवल पर भी कैस्केडिंग हो रहा था। 110 लिखूंगा सर, मैं 100 नहीं लिख सकता क्योंकि इसका मुझे क्रेडिट नहीं दे रही। सर क्या आपको, क्या सर क्या आप जानते हैं, एक मैंने जो ये फर्नीचर मंगाया ना सर, इस एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं सर, आप इस एग्जाम्पल को समझना, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं सर। ये फर्नीचर ना मैंने ट्रक से मंगवाया है सर, ये फर्नीचर मैंने ट्रक से मंगवाया है। ऑब्वियसली सर ट्रक वाले ने मुझसे भाड़ा लिया है, ट्रक वाले ने मुझसे भाड़ा लिया सर, मुझसे फ्रेट लिया है, मुझसे किराया लिया है। सर आप क्या जानते हैं, ट्रक वाला मुझसे उस भाड़े के ऊपर सर्विस टैक्स लेगा? बिल्कुल लेगा सर। ट्रक वाले ने मुझे अलग बिल बना के दिया है कि जी हमारा 1000 रुपए का फ्रेट है और इस पे सर्विस टैक्स है 10%, 100 रुपए। बताओ सर मैंने तो ये वाला टैक्स नहीं पे किया है। सर मैंने दिल्ली सरकार को बोला, सर देखो मेरे पास तो टैक्स कस्टमर से आएगा और वो होगा आउटपुट वैट, क्या आप मुझे इस सर्विस टैक्स का क्रेडिट देंगे? बोले नहीं देंगे। मैंने क्यों सर? बोले ये भी तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सर्विस टैक्स किसको मिलता है? सेंट्रल को। बोले हम नहीं देंगे सर। बताओ सर, मैं कस्टमर से वैट चार्ज करता हूं, मुझे वैट का क्रेडिट दे देंगे लेकिन ना एक्साइज का देंगे और ना ही सर्विस टैक्स का देंगे। तो क्रेडिट नहीं मिलता था सर, पहले क्रेडिट नहीं मिलता था, क्रेडिट नहीं मिलता था तो वो कॉस्ट का पार्ट बनता था, कॉस्ट का पार्ट बनता था तो कैस्केडिंग होता था, कैस्केडिंग होता था। अब करना क्या है, जीएसटी लेके आना है और क्रेडिट का सीमलेस फ्लो करना है, सबको मिलेगा क्रेडिट का सीमलेस। जैसे क्रेडिट का सीमलेस फ्लो होगा, कॉस्ट के पार्ट नहीं बनेंगे, टैक्स नहीं लगेंगे, कैस्केडिंग नहीं होगा। तो अभी अपना टारगेट क्या है, टू प्रोवाइड, जीएसटी क्या करेगा, प्रोवाइड सीमलेस फ्लो एंड रिमूव कैस्केडिंग, रिमूव कैस्केडिंग। क्लियर हो पॉइंट वाला? एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको कंप्लीट। सर मान लो एक मिस्टर एक्स है और ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, ये बेचता नहीं है कुछ, सर्विस प्रोवाइड करता है,
एग्जाम्पल दू, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर वाले बताओ सामान बेचते हैं या सर्विस देते हैं, बोलो सर्विस देते हैं ना, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के नाम पे खुशी देखो इसके मुंह की, है? खुश हो गया, ओके। तो सर एक ब्यूटी पार्लर वाला है मिस्टर एक्स, अच्छा इसके बाद कस्टमर आया, बताओ ये कस्टमर से कैसे पैसे चार्ज करेगा? सर फेशियल करवाया कस्टमर ने, फेशियल, और कस्टमर से इसने 10,000 रुपए लिए फेशियल करने के, ओहो इतना महंगा फेशियल, अरे भाई क्या करें आजकल बड़े महंगे महंगे फेशियल आते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं है, देखो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, गोल्ड का फेशियल आता है, डायमंड फेशियल आता है, फ्रूट फेशियल, ये सब मुझे ज्यादा पता नहीं है, बस ऐसे दो चार नाम मैंने इधर उधर सुन लिए पढ़ाने के लिए, तो मैं बोल दिए, ये मैं सोचना मैं करवाता हूं, मैं कोई फेशियल वेशियल नहीं करवाता हूं, ये सब लड़कियां वड़कियां करवाती हैं। अच्छा कई लड़कियां बोलते नहीं सर आजकल लड़के ही बड़े करवाते हैं फेशियल, हाँ ये बात भी सही है भाई, ठीक है चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, फेशियल की बात से बाहर होते हैं। हाँ जी कस्टमर का क्या किया फेशियल, कितने रुपए लिए? 10,000। बताओ जो ब्यूटी पार्लर वाला है वो टैक्स लेगा नहीं लेगा? लेगा सर, पता है कौन सा टैक्स लेगा? सर्विस टैक्स। कितना सर? मान लो 10% है, तो सर ये तो हो गया 1,000 रुपए, बिल्कुल सही है सर, टोटल बिल बन गया 11,000 रुपए का, और जाओ फेशियल करवाने, टोटल बिल बन गया 11,000 का। तो बताइए सर सर्विस टैक्स के नाम के कितने ले लिए ब्यूटी पार्लर वाले ने? 1,000 रुपए। अब बताओ सर इस ब्यूटी पार्लर वाले का खर्चा क्या हुआ है फेशियल करने का खर्चा? बताओ, मैं बताऊं सर? सर इन्होंने फेस क्रीम खरीदी होंगी, अभी फेशियल ऐसे तो होता नहीं, वो क्रीम व्रीम तो लगानी पड़ती है सर, फेस क्रीम मान लो इन्होंने दिल्ली से खरीदी है, आप बताओ जिस बंदे ने ड्यूटी पार्लर को क्रीम बेची होगी उसने क्रीम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ली होगी? सर ली होगी। सर वैट भी चार्ज किया होगा क्योंकि सेल हो रही है, वो बंदा सेल कर रहा था, वैट चार्ज होगा दिल्ली से दिल्ली में, सर किया होगा। सर इन्होंने कोई टेक्नीशियन बुला रखे हैं जो लोग फेशियल करते हैं टेक्नीशियंस, और वो लोग अपनी सर्विसेज ब्यूटी पार्लर को देते हैं, जैसे जावेद हबीब ब्यूटी पार्लर, जैसे लुक्स सैलून, वो भी एक तरह से ये भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करते ही हैं, तो इन्होंने टेक्नीशियन बुला रखे हैं जो आते हैं और जो भी कस्टमर होता है उसका फेशियल करते हैं और अपने चार्जेस लेते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं ब्यूटी पार्लर वालों से। तो सर उन्होंने अपने पैसे लिए होंगे, साथ में उन्होंने सर्विस टैक्स चार्ज किया होगा ब्यूटी पार्लर वालों से कि भाई हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप कस्टमर बुला रहे हो तो हम भी आपसे चार्ज करेंगे टैक्स। सर अब दिल्ली गवर्नमेंट वाला बंदा चाहता, दिल्ली डील चाहता है, दिल्ली ब्यूटी पार्लर वाला चाहता है कि आप बताइए जो सर्विस टैक्स मैं 1,000 रुपए सरकार को देने जाऊंगा इसमें से मुझे किस किस का क्रेडिट मिल जाएगा, किस किस का क्रेडिट मिल जाएगा? सरकार कहती है एक्साइज ड्यूटी का मिल जाएगा। क्यों सर? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वैट का क्रेडिट नहीं मिल जाएगा, भूल जाओ। क्यों? वैट किसको दे रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्रेडिट नहीं देंगे, सर्विस टैक्स का क्रेडिट दे देंगे, सर्विस का तो मिलना ही चाहिए। तो सर देखो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको वैट का क्रेडिट नहीं देंगे, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे। तो सर क्रेडिट तो मिलता ही नहीं था पहले, और क्रेडिट ना मिलने की वजह से ये एक कैस्केडिंग हुए जा रहा था। तो सर आप बताइए जीएसटी लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, और जीएसटी कैसा लेके आना चाहिए, जो क्रेडिट दे या नहीं दे? सर बिल्कुल जीएसटी आना चाहिए, आ गया, मतलब अब तो पता ही है, मैं तो ये सोच के बना रहा हूं जीएसटी आया नहीं, मैं तो जीएसटी से प्रायर वाली बातें कर रहा हूं कि जीएसटी से पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए बोल रहा हूं ऐसे। सर ये मत सोचना कि सर ये ओहो पता नहीं ये कब की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं आपको बता दूं आज का डेट, बता दूं आपको आज की डेट क्या है, आज की डेट या नहीं बताऊं? चलो ओके, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल भी पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। आज की डेट है 16 जनवरी 2019, तो इट इज मोस्ट लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, मोस्ट लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, आपके जो एग्जाम आने हैं उसी के लिए स्पेशली बनाई जा रही है, ये नहीं पुराने रिकॉर्डिंग है, समझ गए मेरी बात? तो बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। तो सर बताइए जीएसटी में प्रॉब्लम आ गई ना आ गई? तो सर बिल्कुल जीएसटी आना चाहिए। अब मैंने आपको पूरा करवा दिया, एक बार ना पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा था। सर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू रिमूव कैस्केडिंग, इट ऑल्सो टू प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब बताओ आपको सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। अब मैंने एग्जाम्पल दिखाई थी सर, मैंने नीचे दो लाइनें लिखी थी एज वी नो दैट के बाद, और मैंने कहा था ये लाइनें तब समझ में आएंगी जब मैं ये खत्म कर दूंगा। एज वी नो दैट
ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट या क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ऑब्लिक सर्विस टैक्स भी लिख सकते हो सर, ट्रेडर को एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरा, सो देर इज कैस्केडिंग, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स, इसलिए कैस्केडिंग था यानी कि टैक्स ऑन टैक्स था। बोलो प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। हां जी, तो डबल टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको करवाई दिया था, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी। यस, द लास्ट रीजन वाई टू जीएसटी, जीएसटी क्यों आना चाहिए, इसका आखिरी रीजन था यूनिफॉर्मिटी। हां सर, जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इवेंट थे, अगर मैन्युफैक्चर हुआ तो हम लगा देंगे एक्साइज ड्यूटी, अगर आपने सेल की हम लगा देंगे सेल टैक्स, अगर आपने किया सर्विसेज दी हम लगा देंगे सर्विस टैक्स। ओहो सर, देर आर नंबर ऑफ टैक्सेबल इवेंट और नंबर ऑफ टैक्सेस, नंबर यूनिफॉर्मिटी तो कहीं ही नहीं, बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट, बहुत सारे टैक्सेबल टैक्सेस। देखो तीन टैक्सेबल इवेंट थे सर, मैन्युफैक्चर का टैक्स कौन सा लगता था? एक्साइज। मैन्युफैक्चर पे कौन सा लगता था? एक्साइज सर, ये टैक्स हो गया। सेल पे कौन सा लगता था? सेल टैक्स, यानी कि या तो वैट या सीएसटी। और सर्विसेज पे कौन सा लगता था? सर्विस टैक्स। सर्विसेज पे लगता सर्विस टैक्स। सो देयर इज नंबर ऑफ टैक्सेस टैक्सेबल इवेंट। सर क्या आप जानते हैं आज आज सारे टैक्सेबल इवेंट हटा दिए, सारे टैक्सेस हटा दिए सर, नाउ देयर इज वन टैक्सेबल इवेंट, नाउ देयर इज वन टैक्सेबल इवेंट और उसका नाम है सर सप्लाई। मेरी बात समझो सर, सर मेरी बात ध्यान सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं सर, सारे टैक्सेबल इवेंट खत्म कर दिए, नाउ देयर इज वन टैक्सेबल इवेंट एंड देट इज सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं है। एक बात प्रूव करनी है आपको बस, सप्लाई। वो एक गाना सुना आपने, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वही है सर, मैं बहुत गंदा गाता हूं मेरे को मालूम है, लेकिन थोड़ा सहन कर लेना आधा मिनट। सप्लाई, सप्लाई है तो टैक्स है, जो सप्लाई नहीं तो टैक्स भी नहीं है। सर सोचो, लॉ मेकर ने पूरी ताकत लगा दी होगी सप्लाई को डिफाइन करने में, कोई बच ना जाए। सर आज मैन्युफैक्चर करने में टैक्स नहीं लगता, सेल करने पे नहीं लगता, सर्विसेज देने पे नहीं लगता, सप्लाई पे लगता है। सप्लाई क्या है वो बाद की बात है, सप्लाई बताऊंगा क्या है, सेल उसमें आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, सर्विसेज उसमें आएगा नहीं आएगा वो अलग है, लेकिन सप्लाई है तो टैक्स है, सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं है। सर लॉ मेकर ने पूरी ताकत लगा दी सर सप्लाई को डिफाइन करने में। आप जान रहे हो सर, एक सप्लाई को डिफाइन करने में लॉ मेकर ने पूरी ताकत कैसे लगाई? सेक्शन 7 का 7(1), 7(2), 7(3) और 3 स्केड्यूल एक्ट के अंदर डाल दिए जस्ट टू डिफाइन द सप्लाई, क्योंकि लॉ मेकर जानता है इस एक्ट बनने के बाद, इस एक्ट बनने के बाद डिपार्टमेंट इस बात पर प्रूफ करने में लगा रहेगा ये सप्लाई है, असेसी यानी कि टैक्स पेयर इस बात को प्रूफ करने में लगेगा ये सप्लाई नहीं है, टैक्स मत लगाओ। तो सर ब्रॉडली डिफाइन किया है। जब मैं सप्लाई करवाऊंगा ना, चार क्लासें लगेंगी सप्लाई के ऊपर, 4 से 5 क्लास सप्लाई के ऊपर, सिर्फ सप्लाई के ऊपर, इतना बड़ा सप्लाई का कंटेंट है सर। वैट रेट सर, पहले जमाने में वैट रेट जो थे, अब वैट रेट की बात अगर हम बात करें तो डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट स्टेट। सर डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, लग्जरी कार के ऊपर रेट अलग होना चाहिए और नमक के ऊपर रेट अलग होना चाहिए, लग्जरी कार का रेट अलग होना चाहिए, लैपटॉप का रेट अलग होना चाहिए सर, नेसेसिटी आइटम का रेट कम होना चाहिए, लग्जरी आइटम का रेट ज्यादा, मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे इस बात की थी कि एक लैपटॉप का रेट दिल्ली में अलग स्टेट गवर्नमेंट रेट लगा रही है, पंजाब वाले अलग लगा रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं दिल्ली से खरीदूं पंजाब से, क्योंकि पंजाब में सस्ता पड़ रहा है दिल्ली में महंगा पड़ रहा है, क्यों? दिल्ली का रेट ज्यादा है पंजाब वालों का रेट कम है। सर ये गलत था, अनहेल्दी कंपटीशन, दिल्ली वाले पंजाब भाग रहे हैं, पंजाब वाले कहीं और भाग रहे हैं खरीद रहे, क्योंकि वहां का स्टेट कम रेट कम है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रेट डेलिबरेटली कम कर देती, अट्रैक्ट द अदर स्टेट बायर्स। फिर जब वो बेचारे खरीदते थे इधर वाले स्टेट वाले उन्हें सीएसटी का क्रेडिट नहीं देते थे, ओ माई गॉड, समस्या ही समस्या।
सर अब क्या कर दिया उन्होंने, डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट स्टेट खत्म कर दिया, सिंगल रेट कर दिया, देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट। सिंगल रेट मतलब सभी स्टेट में सेम रेट होगा, लेकिन अलग गुड्स पे अलग रेट है। सर जब ये लो आया था ना तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के हिसाब से रेट आए हैं। हालांकि रेट्स में चेंज होते रहे बार बार, तो रेट आपको याद नहीं करना, रेट आपको याद नहीं करने, लेकिन रेट में चेंजेस होते रहे। इसलिए बोलो जो इनिशियली आया था तो उन्होंने ये रेट दिखाए थे 0, 5, 12, 18, 28, इसमें 3% भी था गोल्ड वगैरह पे, डायमंड वगैरह पे। एनीवेज एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि अब सभी स्टेट में रेट सेम होगा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्लियर और नॉट क्लियर। सर मैंने आपको करवा दिया, जीएसटी आने के तीन रीजन थे, मैंने तीनों करवा दिए, मल्टीप्लिसिटी था, कैस्केडिंग था, यूनिफॉर्मिटी था, तीनों करवा दिए। सर होप आप लोगों को क्लास समय में आई होगी, क्लास कैसी लगी जरूर बताना मैसेज करके। आप सबके पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो जहां से भी आपने वीडियो बाय की है, जहां से भी आपने खरीदी है, आप मेरा पर्सनल नंबर लें और वो पर्सनल नंबर अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेव करें और मुझे कॉन्टेक्ट करें, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करें, राइट। मैं आपको उसके अंदर और ज्यादा हमारे जितना हमारा आपस में लिंकिंग होगा उतना बेटर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचेगी। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इस क्लास को सुना, थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच।